बॉलीवुड के गलियारों से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का रिश्ता टूट गया है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य और अनन्या अलग हो गए हैं। दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है। जी हां, शादी की दहलीज चढ़ने से पहले ही अनन्या और आदित्य का ये रिश्ता टूट कर बिखर गया है। दोनों का रिश्ता क्यों टूटा है, इसकी वजह भी सामने आ गई है। अनन्या अपने से 13 साल बड़े एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही थी। अनन्या और आदित्य की डेटिंग तब शुरू हुई जब दोनों 2022 में करण जौहर की दिवाली पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद दोनों विदेश में छुट्टियां मनाने गए, जहां दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा गया। इसके बाद अनन्या और आदित्य खुलकर सामने आ गए। कई बार अनन्या और आदित्य को खुलेआम रोमांस करते भी देखा गया। अनन्या और आदित्य के घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अनन्या ने आदित्य के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म भी किया था। एक सोर्स ने ई टाइम्स को बताया है कि आदित्य से ब्रेकअप के बाद अनन्या काफी दुखी हैं। वो इस वक्त अपने पेट डॉग के साथ ज्यादातर समय बिता रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। आदित्य भी इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मार्च महीने में ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। बीते दिनों अनन्या ने एक पोस्ट लिखकर आदित्य से अलग होने का हिंट भी दिया था। इस पोस्ट में अनन्या ने लिखा था कि अगर वो आपका होगा तो जरूर वापस आएगा। ये सब आपको सिर्फ सबक सिखाने के लिए है। आप स्वीकार ना करते हुए उसे दूर भी कर दो, अगर वो आपका होगा तो लौट आएगा। आदित्य से पहले अनन्या शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर को डेट कर रही थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके अलावा अनन्या का नाम कार्तिक आर्यन से भी जुड़ चुका है। देखते देखते अनन्या का ये तीसरी बार रिश्ता टूटा है। हालांकि आदित्य के साथ उनका रिश्ता काफी मजबूत माना जा रहा था। अनन्या और आदित्य के ब्रेकअप से फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैरान रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।